بسم الله الرحمن الرحيم वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के दम से है जिंदगी का सोजे दरूं। अपवा अपवा ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन फलाहे निस्वा का एक मुनफरिद और मजबूत इदारा, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बहावलपुर गोशाए सहरा में आबाद एक खूबसूरत तारीखी शहर, अपनी उम्दा तहजीब और सकाफत और शानदार रिवायात का अमीन। बहावलपुर को तालीमी इदारों का शहर भी कहा जाता है। बहावलपुर की अजीम दरसगाहों में अपवा पंजाब के जेर एहतमाम इस वक्त 3 बड़े तालीमी इदारे, अपवा फ्री गेट हाई स्कूल बहावलपुर, अपवा सेटेलाइट टाउन बहावलपुर और अपवा डिग्री कॉलेज फॉर विमेन बहावलपुर अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ बहावलपुर के आवाम की तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आला तालीम याफ्ता बासलाहियत असातिजा, मेहनती और जफाकश मुलाज़मीन, खिदमत इंसानियत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हुए जिंदगी की रवानी का हिस्सा हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत इन इदारों के सालाना तालीमी बोर्ड्स के नतायज हैं। हर साल बोर्ड्स के इम्तहानात में मुतादिद तालिब इल्म स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। तकरीरी मुकाबले हों या तहरीरी मुकाबले, अपवा में जेरे तालीम तालिब इल्म डिविजनल और सूबाई सतह पर अपना आप मनवाते हैं। तरक्की के इस दौर में ये इदारे हर तालीमी सहूलत से लैस हैं। साइंस लेबॉरेटरी हो या कंप्यूटर्स लैब, लाइब्रेरी हो या खेल का मैदान, हर तरह से अपवा के ये तालीमी इदारे बहावलपुर के तालिब इल्मों को फैज याब कर रहे हैं। अपवा बहावलपुर के इन तीनों तालीमी इदारों को चलाने के लिए 3 अलहदा अलहदा प्रेमिसेस हैं, जो अपवा बहावलपुर की
मिल्कियत हैं। इन तीनों प्रेमिसेस का नज़्म व ज़ब्त निसाबी और अहम निसाबी सरगर्मियों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए इनकी आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजर्बाकार प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा किरदार है। अपवा फरीद गेट हाई स्कूल में मोहतरमा नासिरा मसूद पिछले 36 साल से इल्म की रोशनी नौनिहालाने वतन तक पहुंचा रही हैं। मोहतरमा शहनाज अशरफ अपवा स्कूल सेटेलाइट टाउन की फाउंडर प्रिंसिपल पिछले 26 साल से इल्म आगही का शऊर उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। निसाबी और अहम निसाबी सरगर्मियों में इनकी ब्रांच के बच्चे हमेशा नुमाया रहे हैं। अपवा बहावलपुर का तीसरा बड़ा तालीमी इदारा अपवा डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन एक बावकार और स्टैंडर्डाइज तालीमी इदारा अपने इलाके की तालबात को जदीद उलूम से आशना कर रहा है। कॉलेज की प्रिंसिपल पुर कशिश शख्सियत की मालिक मोहतरमा रूबीना इम्तियाज काम काम और बस काम को अपना ईमान समझते हुए दिन रात कॉलेज की नेकनामी और कारकर्दगी के लिए अमल पैरा हैं। इन तालीमी इदारों से फारिग तहसील तलबा और तालिबात जिंदगी के हर शोबे में अपनी इंफरादियत रखते हुए यहाँ पढ़ने वाले तालिब इल्म डॉक्टर्स इंजीनियर्स एजुकेशनिस्ट और पासबान पाकिस्तान बनकर मुल्क और कौम की खिदमात कर रहे हैं। अपवा के जेरे एहतमाम चलने वाले ये इदारे अपना एक खास सिस्टम रखते हैं। इन तालीमी इदारों को चलाने वाली मकामी मैनेजमेंट कमेटी और चेयरपर्सन की आला हिकमत अमली और बसीरत हर मामले की कामयाबी की जमानत है। अपवा का ये वाहिद इदारा है जो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। अपनी फंडिंग स्कूल्स की मुकर्रा मुनासिब फीसिस से करता है। डिजर्विंग और ज़हीन तालिब इल्मों को फी कंसेशन की सहूलत भी दी जाती है। फीस की अदायगी के लिए बैंक का शफाफ निज़ाम राइज है। आमदनी और अखराजात की जांच पड़ताल के लिए बाकायदा हर तालीमी इदारे के लिए अलग अलग दफातर हैं। इन सब को ओवरऑल देखने के लिए अपने काम में माहिर चीफ अकाउंटेंट इदारे के माशी मामलात का ग्राफ बनाते हैं और इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। निसाबी सरगर्मियां हों या हम निसाबी सरगर्मियां, अपवा बहावलपुर हर पर हर दम सरगर्म अमल रहता है। अहम कौमी त्यौहार हों या कल्चरल डेज, इनका बाकायदा इनेकाद किया जाता है। अपवा बहावलपुर का एक अहम शोबा अपवा इंडस्ट्रियल होम खवातीन की फलाह बहबूद और इनके माशी और माशरती मसाइल को हल करने में न सिर्फ अपना नुमाया और भरपूर रोल अदा कर रहा है बल्कि अपवा के तीनों तालीमी इदारों के लिए यूनिफॉर्म भी तैयार करता है जिससे अपवा बहावलपुर को माशी तनफ्फुस मिलता है। अपवा इंडस्ट्रियल होम में खवातीन की दिलचस्पी और घरदारी की जो अशिया तैयार की जाती हैं वो मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बहुत कदर की निगाह से देखी भी जाती हैं और खवातीन शौक और ज़ौक से खरीदती भी हैं। यहाँ से हुनर सीखने वाली खवातीन अपना और अपने घर वालों के लिए माशी मसाइल हल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। बनना सवरना खवातीन का बुनियादी हक है। औरत कुदरत का एक हसीन शाहकार और रौनक कायनात है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में दूसरे शोबों की तरह अब ब्यूटी सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी बहुत इन हैं। खूबसूरत बनने और खूबसूरत दिखने की चाहत और वक्त की बचत के एहसास से ख्वातीन में ब्यूटी पार्लर्स की ज़रूरत और अहमियत को उजागर किया है और फिर ये ब्यूटी पार्लर्स आमदनी का भी एक अच्छा ज़रिया साबित होते हैं।
इन्हीं मकासिद को हासिल करते हुए अपवा बहावलपुर में भी एक ब्यूटी पार्लर काम कर रहा है, जो बहुत हद तक अपवा के लिए आमदनी का एक माकूल जरिया भी है। इल्मी सफर में बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है, मगर हर मुश्किल के बाद एक पायदार राहत की नवीद हमारा इंतजार कर रही होती है। इल्म और अमल का ये सफर लम्हा बलम्हा हमें एक नई मंजिल की तरफ रवां दवां करता है। हम नई नई दुनियाएं दरियाफ्त करते हैं। इंसान ला इल्मी से इल्मी सफर इख्तियार करता है तो अपनी दुनिया और आखरत पायदार करता है, और दुनिया और आखरत में अपना मकाम और रुतबा बनाकर सदा आने वालों के लिए एक रोशन मिसाल बन जाता है। उम्मीद फतह रखो और अलम उठाए चलो, अमल के साथ मुकद्दर को आजमाए चलो। ये दौर आग नहीं रोशनी है मंजिल की, कदम मिला के बढ़ो और अलम उठाए चलो।